नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 1 जून 2018। स्वागत है आपका फीलिंग बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू प्लस पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की है। अभी देखो, हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। कौन से हैं ये स्टेट्स? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 राज्यों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। हम देखो 2 पहलू डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। पहला एस्पेक्ट ये कि बिहार के द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग क्यों की जा रही है, और दूसरा एस्पेक्ट ये कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है और क्या फायदा होता है अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो। पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में देखो, हमारे देश में सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क ग्रुप की रैंकिंग के अनुसार बिहार के 38 में से यानी 38 में से 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बैकवर्ड हैं। तो ऑलमोस्ट 95% बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा रियल पर कैपिटा GSDP जो है सभी राज्यों में से बिहार की सबसे कम है। GSDP का मतलब है यहां पर ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे GDP होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन स्टेट के लिए अगर ये देखते हैं GDP तो वो हो जाता है GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा देखो, पूरे देश की GDP में बिहार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2.8% है, लेकिन बिहार में पॉपुलेशन है 8.2%। ये आंकड़ा है 2009 से 2012 तक का। तो ये सब चीजें, ये सब इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि बिहार एक काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। इसी वजह से मांग की जा रही है बिहार के द्वारा लगातार कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं। देखो, हमारे संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन 1969 में सरकार को यह लगा कि देखो, कुछ राज्य हमारे देश के ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली वीक हैं एज कंपेरिजन टू दूसरे स्टेट्स, तो इन स्टेट्स को कुछ फायदा पहुंचाया जाए, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो 1969 में गदगिल फॉर्मूले के आधार पर यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि वो स्टेट्स जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है उनको क्या फायदे दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखो, हम फायदों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना फंड्स ट्रांसफर होता है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ, उनमें से 30% जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को, और बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनको मिलता है 70%। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी या फिर और बहुत सारी ड्यूटीज हैं, उनमें एग्जेम्पशन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पर्सन इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो। और ज्यादातर जो फंड्स दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को, वो ग्रांट के तौर पे दिया जाता है, यानी वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं होती इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को, वो पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्रिटेरिया क्या है, किस क्रिटेरिया के आधार पर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है? देखो, यहां पे नीचे ये क्रिटेरियाज हैं। हिली टेरेन हो, लो डेंसिटी हो यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम हो, बॉर्डर के नजदीक लोकेशन हो, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो अभी तक देखो 11 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। सबसे पहले मिला था जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बाद तो देखो लगातार मिलता गया, अभी फिलहाल 11 स्टेट्स को मिला हुआ है, जिनमें से नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और एक जम्मू एंड कश्मीर है। 11 राज्य हैं, ये सारे के सारे राज्य आप देखिए बॉर्डर स्टेट्स हैं या फिर हिली टेरेन है, इनका जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत कम है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कितनी कम इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश्ड हैं। तो इस वजह से ये फाइनेंशियली वीक स्टेट्स हैं, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। तो अब बिहार समेत कई सारे दूसरे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि देखो, हम भी फाइनेंशियली वीक हैं, हमें भी आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। और कुछ समय पहले आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के द्वारा भी सिमिलर मांग की जा रही थी। लेकिन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तर्क ये दिया जाता है कि 2015 में नीति आयोग और 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि किसी भी राज्य को अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखो एक राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो बाकी राज्य भी मांग करने लगेंगे कि हमें भी आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है
आजकल हम आपको 42% पैसा दे रहे हैं, 100% जो हमें टैक्स रेवेन्यू मिलता है उसमें से 42% तो हम आपको दे रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्यों को जा रहा है। तो आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आवश्यकता है ही नहीं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आवश्यकता तब होती थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम फंड्स ट्रांसफर करती थी स्टेट्स को, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से पहले 32% टैक्स रेवेन्यू जाता था स्टेट्स के पास, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लागू होने के बाद अब 42% पैसा जाता है स्टेट्स को, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। यह पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल मिशन रफ्तार के बारे में है। देखो ये स्क्रीन पे जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप मिशन रफ्तार के बारे में एक चीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये इनिशिएटिव है। मकसद ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो फ्री ट्रेन्स हैं, यानी जो मालगाड़ियां हैं, उनकी स्पीड को डबल किया जाए और जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को 25 किलोमीटर पर हावर तक बढ़ाया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मिशन रफ्तार के। अब कितनी अभी फिलहाल स्पीड है या फिर कौन सी ट्रेन की कितनी स्पीड है, इतनी माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी ये पूछ सकती है कि मिशन रफ्तार क्या है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का इनिशिएटिव है। मकसद यह है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जो मालगाड़ियां हैं उनकी स्पीड को डबल किया जाए और जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो पैसिफिक ओशन में यूएसए की जो मिलिट्री कमांड थी इसका नाम था यूएसए पैसिफिक कमांड, लेकिन यूएसए ने अब अपनी इस पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर दिया है और नाम क्या रख दिया गया है, नाम रख दिया गया है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। यहां पे देखिए, पहले नाम था पैसिफिक कमांड, अब नाम रख दिया गया है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यूएसए के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। देखो ऐसा यूएसए के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि अब यूएसए इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ के देखता है। यूएसए को यह लगता है जिस प्रकार से पैसिफिक ओशन में चाइना अपनी गतिविधियों को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है, उसी प्रकार से इंडियन ओशन में भी चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव रुख अख्तियार कर रहा है। चाइना की जो सबमरीन्स हैं वो इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा दिखती हैं आजकल। इसी वजह से यूएसए अब इंडियन ओशन में भी इंटरेस्टेड है और यूएसए की मिलिट्री की जो पैसिफिक कमांड थी वो अब इंडियन ओशन में भी अपने इंटरेस्ट को देखेगी। वैसे तो देखो ट्रेडिशनली इंडिया का ही डोमिनेंस रहा है इंडियन ओशन में और किसी दूसरे देश का डोमिनेंस यहां पे नहीं रहा है, लेकिन अब चाइना के द्वारा कोशिश की जा रही है कैसे ना कैसे करके इंडिया का जो वर्चस्व है इंडियन ओशन में से इंडिया के वर्चस्व को खत्म किया जाए। इसी वजह से जो मालदीव है, मालदीव में चाइना का आजकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और पिछले 1 साल में कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव के द्वारा इंडिया को इग्नोर कर दिया गया है। जैसे मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ, अभी वहां पे मालदीव में काफी इंस्टेबिलिटी है, इमरजेंसी लगाई गई थी, इंडिया ने उस इमरजेंसी का विरोध किया था, लेकिन फिर भी जो वहां के अभी प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यमीन, उन्होंने इंडिया की बात नहीं मानी थी, उन्होंने अपने एडवाइजर्स को भेजा था कई सारे देशों में लेकिन इंडिया को इग्नोर कर दिया गया था। और वहां पे जब इंडिया के एम्बेसडर यानी इंडिया के राजदूत कुछ ऑफिशियल्स से मिले थे तो उन ऑफिशियल्स को भी काफी लताड़ लगाई थी, यानी उन पे भी कार्रवाई की गई थी मालदीव की सरकार के द्वारा। कहने का एसेंस ये है कि जिस प्रकार से यूएसए नहीं चाहता कि पैसिफिक ओशन में चाइना का दबदबा इंक्रीज हो, चाइना का डोमिनेंस इंक्रीज हो, उसी प्रकार से यूएसए ये भी नहीं चाहता कि इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना का जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो। तो जिस प्रकार से यूएसए की जो पैसिफिक ओशन की मिलिट्री कमांड है वो अभी तक सिर्फ पैसिफिक ओशन को देखती थी, लेकिन चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए या फिर चाइना के डोमिनेंस को कंटेन करने के लिए अब यूएसए की जो पैसिफिक ओशन की कमांड है वो इंडियन ओशन को भी मॉनिटर करेगी। तो इसी वजह से यूएसए की जो पैसिफिक ओशन की मिलिट्री कमांड है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब नाम है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आंध्र प्रदेश के बारे में है। देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अपने नए स्टेट सिंबल्स को अडॉप्ट किया है, जैसे कि स्टेट बर्ड आंध्र प्रदेश का अब होगा रामाचिलुका, स्टेट एनिमल ब्लैक बक, स्टेट ट्री नीम, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूटीज हैं, क्या आप सभी स्टेट्स के स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर्स ये सब याद रखोगे? नहीं, आप नहीं रख सकते। सिर्फ
जो नेशनल लेवल के सिंबल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। नेशनल सॉन्ग कौन सा है या फिर नेशनल फ्लैग के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज कमी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार के बारे में चर्चा की, क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमने ये भी जाना, मिशन रफ्तार के बारे में हमने जाना। उसके बाद यूएसए ने अपनी जो पैसिफिक ओशन की कमांड है उसका नाम चेंज कर दिया है और रख दिया है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। उसके बाद हमने आंध्र प्रदेश के नए सिंबल्स के बारे में जाना, लेकिन न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।